नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहले ही दिन से आपको अपडेट दे रहे हैं, चाहे हमारा प्रोग्राम हो एक रात किसानों के साथ, उसके बाद हमने बहुत से प्रोग्राम चलाए इस गाजीपुर बॉर्डर से और सिंधु बॉर्डर से। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ यहाँ किसान भाई खड़े हैं। हम इन किसान भाइयों का कुछ दिल का हाल जानना चाहते हैं। हमारे साथ किसान भाई खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मैं नल सिंह यादव हूँ, जिला रामपुर से। मेरे अध्यक्ष हसीब अहमद है, वो संगठन में वो आदमी हूँ। तहाड़ झेल झेलिए, सितारगंज जेल झेलिए, नैनी जेल झेलिए, मेरे बाबा के साथ राकेश टिकैत जी के साथ भी ये देखा अंजाम है बीजेपी वालों का। नौनी का है एक विधायक, एक यहाँ का नगर विधायक है, एक नगर विधायक है। उनने 5 बसें लगा दी थी, हमारा पड़ाव पड़ा था। पड़ाव वाले ने जब बीएम सिंह जी निकल गए थे ना, ऐसे बाकी सरदार निकल गए थे, तो राकेश टिकैत जी को सब निकल गए, हरपाल जी, परपाल जी साहब टिकट सामने कहा था मेरे वॉलंटियरों लग जाओ पुल के नीचे, शहादत होगी वो शहादत होगी, फांसी लगा के शहादत होगी, ऐसे शहादत नहीं, मेरा किसान नहीं बढ़ेगा। मैं अरे टिकैत साहब के आंसुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनसैलाब है, जनसैलाब, जैसे गंगा बहती ना वैसे ही गंगा किसानों के लिए टिकैत साहब का गंगा उगली है। या तो चंद लोग थे बीजेपी के, चंद लोग हमारे टेंट में आग लगाते चलते थे, हमारे टेंट उखाड़ना चाहते थे 6 बजे ही। जिस वक्त आप लोग कम रह गए थे, सारी पुलिस ने और सीआरपीएफ वगैरह सब ने आपको घेर लिया था, उस समय आप कैसे महसूस कर रहे थे? कैसे क्या कर रहे थे, हम तो अपने अध्यक्ष के साथ थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ थे। उन्होंने कहा था कुछ नहीं, किसी किसान पे गोली कोई वैसा नहीं मारेगा, प्रशासन मारेगा, पुलिस गोली चलाएगी, बाकी बात हम फांसी खा लेंगे। केस नेताओं पर करे गए हैं, उसके बारे में कहेंगे, क्या आप वापसी की मांग करेंगे उनसे केसों को? हमारे तो वापसी है, हमने कहा क्या कुछ किया, कुछ किया है हम बताओ? किसान नेताओं पर केस किया गया है, उन पे जो केस लगे हैं उनकी वापसी की मांग करेंगे क्या सरकार से? हम मीडिया बंधु से सबसे कहेंगे, आपको कहीं कुछ कहा गया इस आंदोलन में 26 से पहले 24 में आपसे कुछ कहा गया? आपने दिखा दिया है पड़ाव उखड़ गया है, टिकैत ने ये किया, टिकैत ने वो किया, टिकैत झंडा फड़ाएंगे, वो झंडे वाले को तो पकड़ो कहाँ है। तिरंगा पे पंछी भी पर नहीं मांग, कौआ नहीं बैठ सकता, कौआ तिरंगे बैठेगा 26 जनवरी को? नहीं बैठ सकता, बाकी लोग कहाँ से आ गए ये बताओ। अभी सरकार की तरफ से कोई रुझान आया है? सरकार तो रुझान ही दे रही है, 10वीं वार्ता कर दी, 11वीं वार्ता कर ली। आपका क्या नाम? सुदेश। ये तो करवाना है। सुदेश, सुदेश, सुदेश। कहाँ से हैं आप? बागपत से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना चाहेंगे, जिस तरह से इस आंदोलन में, नहीं ठीक है यार, इस आंदोलन में किसान को बदनाम किया गया है, इसमें किसान निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। सरकार ने अगर जिस तरीके से कहा कि हमने 5000 ट्रैक्टरों को अनुमति दी, उन्होंने टोकन देने के लिए अधिकारी क्यों नहीं बैठाए? उनके पुलिस अधिकारी कहाँ थे जो लीड करके जाते इस प्रदर्शन को? उन्होंने वो रास्ते खोल दिए जिस जो रास्ते गलत रास्ते से जाते थे, और जो लोग वहां पहुंच चुके थे वो किसान नहीं थे। एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा अभी तक? क्यों पकड़े नहीं गए वो अभी तक? क्वेश्चन करो। टोकन देने की बात, क्या नाम है? क्वेश्चन, मेरा नाम मुनेश बरवाला, जिला बागपत से हूँ। क्वेश्चन करो, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकरण के बारे में? कहीं के जो हुआ 3 दिन से लगा चला प्रकरण जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार ने अपनी दबंगई दिखाई, दबंगई तय, उसने सोचा कि अपने गुंडे बुलाकर किसान यंत्र तक झगड़ा करेंगे, तो हम इन्हें ठा दियो। इस सरकार को यह नहीं पता जितना किसान को दबाने की कोशिश करेंगे ये किसान उतना ही उग्र होगा और इसका खून गर्म होगा। एक रात में पूरा नजारा ही बदल गया यहां का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो इन्होंने दबंगई दिखाई उस तय चौधरी टिकैत के जो आंसू आए हुए, आंसू नहीं थे वे जन सैलाब था वो, और टीवी पे किसान चिपके हुए थे पूरी रात, सोए नहीं, पुलिस के पहरे थे हर जिले में, नाके बंद थे। जैसे ही हमें मौका मिला जन सैलाब उखड़ पड़ा, और चौधरी अजीत सिंह ने जो ट्वीट करा वो सब मीडिया ने दिखा, हम उसका धन्यवाद देंगे। उस तय भी बहुत अभी ये सिंधु बॉर्डर नकली किसानों को ले जाके उन्हें दारू पिला के वहाँ भी तांडव कराया उन्होंने,
और यहाँ भी वही काम करा जो विधायक आए अगजन झगड़ा करवा दो, छल तो उठाना चाहती है बल से किसान उठने वाला न उनका कोई भी छल कामयाब नहीं हुआ न 26 तारीख में हुआ, वो भी छल था 26 तारीख। वे ठीक कर रहे हैं, उन्हें भी हमारी जरूरत हो गया, आज हमें उनकी जरूरत है, आने वाले समय में हमारी उन्हें जरूरत है एक दूसरे का। ये अभी जो ये न्यूज आ रही है सोशल मीडिया पे कि 10,000 गांवों की पंचायत होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गांव सुनो, मोहल्ले घर घर मोहल्ले मोहल्ले में गांव गांव में और जिलू गेल पंचायत होगी। ये जन सैलाब बन चुका है, जन सैलाब। अब ये किसान आंदोलन पूरा भारत जाग चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त किसान सारे सारे प्रदेश से और सब जगह से किसान यहाँ मौजूद है, और आपने देख लिया कि कितना जोश इनमें भर चुका है एक रात के बाद। जोश तो पहले भी था लेकिन अब वो जोश दुगना दिख रहा है।